हेलो फ्रेंड, एसएसपी कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की जो फिजिकल के लिए आप जाएंगे, तो फिजिकल के जाने से पहले आपको कुछ बात की ध्यान रखना चाहिए। जो बात की आप ध्यान रखना चाहिए, उसी बात के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, एसएसपी कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की फिजिकल जब आपका होने वाला है, तो इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होना चाहिए। और नहीं आप जानेंगे तो आपके फिजिकल जाने के वक्त आपका फिजिकल में कट भी सकते हैं, तो इसलिए आपको कुछ बात की ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एसएसपी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके रखें और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखें। देखिए फ्रेंड्स, एसएसपी के पर आप जो फिजिकल के लिए आप जाएंगे, तो आपको कुछ बात की ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इसमें आपका फिजिकल जो होने वाला है, इसमें सारे डिपार्टमेंटली अलग अलग ही आपका फिजिकल होने वाला है, तो इसलिए आपको डिपार्टमेंटल ही आप जिस भी डिपार्टमेंट में फॉर्म भरे हैं उसी के बारे में आपको मालूम चलना चाहिए। जैसे कि इसमें आपका जो वैकेंसी है, 1522 वैकेंसी जो आपका टोटल भरा है, इस 1522 वैकेंसी पर जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उनको उस डिपार्टमेंट की कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे कि पहले तो आप फिजिकल के लिए जब जाएंगे, आपके साथ आपका एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों ही लेकर जाना होता है, और उसके बाद ही आपको फिजिकल के अंदर आप जो गेट के अंदर आप वो अंदर करते हैं। नहीं तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ या एडमिट कार्ड दोनों के अंदर कुछ भी गलत होगा तो वो आपको अंदर नहीं बिठाएंगे। और उसके साथ आपको जो जो आइडेंटिटी कार्ड लेंगे, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ और नाम बिल्कुल 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, नहीं तो आपको अंदर वो नहीं लेंगे। तो आईडी कार्ड को आपको लेकर जाना होता है, नहीं तो आपको अंदर नहीं बिठाएंगे। तो अंदर जाने के बाद ही आपको पहले आपको हाइट बार मिलेगी, और हाइट बार में आपका हाइट मापा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका जो वैकेंसी अलग अलग होता है, तो इसी तरह उनके हाइट भी अलग अलग हो लिया जाता है, उस हाइट के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस डिपार्टमेंट की आप भर्ती है करने के लिए जाएंगे, उस डिपार्टमेंट के हाइट बार अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से आपको हाइट बार में पहले चेक किया जाएगा। जो जो भी बंदा हाइट बार में वो क्लियर करेगा तो उसे अंदर बिठाएंगे, जो हाइट बार में डिक्लाइन हुआ यानी कम हाइट होता है तो उसे अलग बिठा देंगे। जो कम हाइट वालों को उनको रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है तो उसका भी इन्फॉर्मेशन देकर वो बिठा विदा कर देंगे। और उसके साथ जो अंदर जाएंगे जिस कैंडिडेट, उनके कैंडिडेट की उनके साथ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा। और जो डिक्लेरेशन फॉर्म में मेनली उसे मेंशन होता है कि आपका रनिंग के वक्त तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आए तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए ये जो डिक्लेरेशन वो भरेंगे। और उसके बाद आपको रनिंग के लिए वो डायरेक्ट ही रनिंग ट्रैक पर ही बिठा देते हैं। इसमें आपका मेल कैंडिडेट की आपका 4.8 किलोमीटर रनिंग होता है 24 मिनट के अंदर, और जो फीमेल कैंडिडेट की रनिंग होता है 2.4 किलोमीटर 18 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। ये सारे डिपार्टमेंट के लिए रनिंग सेम है, और लेकिन इसमें हाइट अलग अलग होता है, तो इस हाइट के बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका जो हाइट बार लिया जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1 2 3 4 के अंदर जो भी नहीं जाते जा रहे हैं उनका नॉर्मली हाइट रहेगा कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए 170, यानी 170 उनका हाइट रहती है मेल कैंडिडेट की। और उसके बाद ही उनका चेस्ट रहती है 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर उनको फुलाना होता है। और उसके बाद ही जो एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन्हें 165 उनका हाइट रहती है, और इसके साथ इस एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 162 उनका हाई 162.5 उनका हाइट रहती है। और उसके साथ जो एसटी कैटेगरी और इस एरिया से वो बिलोंग करते हैं उनका हाइट रहती है 170, और उसके साथ उनका चेस्ट रहती है 76, और 5 सेंटीमीटर उनको फुलाना होता है। और सारे ऑल ओवर इंडिया के जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से उनका हाइट रहती है 162। ठीक है, देखिए फिर फ्रेंड, पहले तो आपका हाइट में बारह हाइट मापने के बाद ही आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद ही आपका रनिंग छोड़ देंगे, और रनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है। तो इसमें से जो लेबोरेटरी असिस्टेंट या वेटनरी का जो वैकेंसी हुआ है, उस वैकेंसी में आपका जो हाइट लिया जाता है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑल कैंडिडेट यानी 1 और 2 लेवल जो कैंडिडेट है उनको छोड़कर सारे कैंडिडेट की मेल कैंडिडेट की हाइट लिया जाता है 170, और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट लिया जाता है 157। और इसमें से जो मेल कैंडिडेट की जो हाई चेस्ट रहती है 80 सेंटीमीटर, और उसके साथ 5 सेंटीमीटर उनको फुलाना होता है। और इस एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनका मेल कैंडिडेट की 165 और फीमेल कैंडिडेट की 155 उनका हाइट लिया जाता है, और उसके साथ 78 उनका चेस्ट दिया जाता है। और जो सारे एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका
जो हाइट रहता है मेल कैंडिडेट की 162.5 और फीमेल कैंडिडेट की 150, और उसके साथ उनका चेस्ट रहती है 76 और 5 सेंटीमीटर उनका फुलाना होता है। और उसके साथ जो फीमेल कैंडिडेट की सिर्फ इस फॉर्म में फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म भरते हैं जो कि आया है, और उसके साथ उनका जो सेक्शन वन यानी वन और टू के जो कैंडिडेट नहीं जाते हैं उनका हाइट लेते हैं 157, और उसके साथ जो इसके एरिया से बिलोंग करते हैं उनका फीमेल कैंडिडेट की उनका 155 उनका हाइट लिया जाता है, और एसटी कैटेगरी का जो फीमेल कैंडिडेट है उनका हाइट लिया जाता है 150 उनका हाइट लिया जाता है। और सारे कैंडिडेट की जो भी बिलोंग करते हैं कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुकर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला और वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर और काबलर, ये सारे कैंडिडेट की हाइट लिया जाता है 165। ये सारे कैंडिडेट की यानी जो वन और टू लेवल से नहीं जाते हैं उनका 167.5 उनका हाइट लेते हैं, और उसके साथ 78 उनका चेस्ट लेते हैं और 5 सेंटीमीटर उनका फुलाना होता है। और फीमेल कैंडिडेट की 157 और इस एरिया से जो जाते हैं 165 उनका हाइट लेते हैं, और उसके साथ जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 155 उनका हाइट लिया जाता है, और सारे एसटी कैंडिडेट की उनका हाइट लेते हैं 162.5 और फीमेल कैंडिडेट की 150 उनका हाइट लिया जाता है। और उसके साथ बाद ही आपका जो मेन चीज़ आपका जो वेट मापते हैं, वेट मापने की उनका प्रोसीजर अलग होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेनली आपको आपका हाइट मान लीजिए 163 आपका हाइट है, तो 163 के हिसाब से आपका एज लिमिट आती है 22 के अंदर, तो इसलिए आपका वेट 43 kg से 52.5 kg के अंदर होना चाहिए, नहीं तो आपको वो डिस्क्वालीफाई वो कर देते हैं, तो इससे मेजर पॉइंट है। तो इसलिए आपका आपका वेट ज़्यादा है तो आप घटाने की कोशिश करिए, और आपका वेट कम है तो आप बढ़ाने की कोशिश करिए, नहीं तो आपको वेट में वो काट देते हैं। ये जो फीमेल कैंडिडेट की मेजरमेंट है, और मेल कैंडिडेट की जो मेजरमेंट है, देखिए मेल कैंडिडेट की एक कैंडिडेट के मतलब 170 उनका हाइट है, तो उनका एज लिमिट 23 से 27 उम्र की है, तो उनका मेनली 54 kg से 66 kg के अंदर होना चाहिए, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। हाइट का जो वेट कम होगा तो वो अंडर वेट में डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और ज़्यादा वेट होगा तो वो ओवर वेट पर भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इसलिए आपको आपका जो भी आपका वेट है तो पहले आप माप लीजिए, और उसी के हिसाब से आपका वेट भी मेजरमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्लियर से मालूम चला कि आपको जब आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे आपका किस डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है, और उसके बाद ही आपका फिजिकल में क्या क्या होता है, और आपका फिजिकल में आपका जो टेस्ट लिया जाता है वो आपका हाइट कितना लिया जाता है और आपके चेस्ट क्या लिया जाता है, वेट क्या लिया जाता है, आपको उसके बारे में क्लियर से मालूम हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको जितने भी फ्रेंड एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी मालूम चले कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, तो उसके हिसाब से और उनके कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए, और उसके साथ एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो जॉब प्रोफाइल है उसके भी वीडियो में आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस पर भी क्लिक करके